स्वामी विवेकानंद अपने प्रेरणादायी और ओजस्वी वाणी में कर्मयोग के बारे में जो सिद्धांत कह रहे हैं, जो सारी के विचार प्रकट कर रहे हैं अलग अलग व्याख्यानों, उनका हम यहाँ हमारी बुद्धि के अनुसार, हमारी क्षमता के अनुसार कुछ अवलोकन करने की, धारण करने की एक प्रकार की चेष्टा कर रहे, प्रयत्न कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्वामी जी आगे क्या हमें बता रहे हैं। स्वामी जी ने कर्तव्य के बारे में बात शुरू कर दी थी पिछले ही व्याख्यान में। कर्तव्य क्या होता है, किस प्रकार से किसी व्यक्ति को जीवन में अपना कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए, ऋण की कल्पना क्या है, ये सब भी हमने पिछले बार व्याख्यानों में देखा। और फिर वो उसको आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि फिर आपको धीरे धीरे समझेगा कि जो कल्पना है कर्तव्य की, वो भी एक प्रकार से परिवर्तनशील है, उसको भी चेंज होता रहता है उसमें। और जो ग्रेटेस्ट वर्क इज डन ओनली व्हेन देयर इज नो सेल्फिश मोटिव टू प्रॉम्प्ट इट, येट इट इज द वर्क थ्रू द सेंस ऑफ ड्यूटी दैट लीड्स अस टू द वर्क विदाउट इट्स आइडिया ऑफ ड्यूटी एंड वर्क विल बिकम वर्शिप। तो धीरे धीरे ही पता करते करते ही पता चलता है, करत करत हो जाए उस प्रकार से ये पता चल जाता है कि जो सबसे बड़े सबसे महान कार्य है वो ऐसे थे जिनमें कोई भी स्वार्थ का अंश भी नहीं था। वो ये भी उसमें भाव नहीं था कि मैं कोई कर्तव्य कर रहा हूँ। लेकिन ये कब संभव होता है, जब पहले आप कुछ चीज़ें कई साल कई बार आप कर्तव्य निष्ठा से करते हैं, तब धीरे धीरे ये भावना आती है कि आप ये भी भूल जाते कि आप कर्तव्य कर रहे, ये भी भूल जाते कि आपने कोई उसमें आपका भी कोई अंतर्भाव है। बड़े से बड़े कार्य हमने देखे, लोग बाद में पूछते थे कि पता नहीं किसने किया बहुत सुंदर किया। एकनाथ जी के बारे में कहा गया था कि जब उन्होंने शिला स्मारक का काम पूर्ण हो गया तो कभी वो किनारे से उसकी तरफ देखते थे और कहते थे कितना भव्य बनाया है, पता नहीं कैसे बनाया होगा, किसने बनाया होगा। तो हमारे सारे जो मंदिर है, हमारे शिल्प है, हमारे सारी जो रचनाएं हैं, आप देखेंगे इस अर्थ से अपौरुषीय है, क्योंकि वहां कहीं भी ये भाव ही नहीं था उन महान कर्ता ऋषियों के मन में, कवियों के या मुनियों के मन में, कि ये मैंने किया है, ये मेरे लिए है, ये मेरा, ये भी भाव नहीं था कि ये मेरा कर्तव्य था इसलिए किया, बस मैंने कर दिया क्योंकि ये करना मेरे लिए अनिवार्य था, कोई मुझे इस तरफ खींच के ले रहा, रोज ला रहा था कि भाई यही तुम्हें करना है। स्वामी जी भी उस शिला पर जब 3 दिन बैठे थे उसके बाद वो कहते कि उन्हें एक आदेश मिल गया कि अब तुम जाओ पाश्चात्य जगत में जाओ और वहाँ इसका प्रसार करो, भारत माता के जो पुनरुत्थान का कार्य है उसका भूतकाल वर्तमान भविष्य उन्होंने जब देखा, उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ से अभी उसको आगे लेके जाना है, आपको बाहर जाना पड़ेगा। एक तो ऐसी कथा बोलते कि श्री रामकृष्ण उनको महासागर के बीच खड़े रहकर बुला रहे थे कि यहाँ आ जाओ यहाँ आ जाओ, और फिर स्वामी जी वहाँ चले गए। तो मैं कर रहा हूँ ये भाव ही नहीं है, मैं कर्तव्य कर रहा हूँ ये भी भाव नहीं है, ऐसा जब होता है तो वो वर्क बिकम्स वर्शिप, वो काम जो है वही आपकी पूजा बन जाता है, आपकी आराधना बन जाता है। नहीं, इट इज समथिंग हायर देन द वर्क विल बी डन फॉर इट्स ओन सेक, वी शैल फाइंड दैट द फिलोसॉफी ऑफ ड्यूटी वेदर इट बी इन द फॉर्म ऑफ एथिक्स और ऑफ लव इज द सेम एज इन एवरी अदर योगा, द ऑब्जेक्ट बीइंग द अटेन्यूटिंग ऑफ द लोअर सेल्फ सो दैट द रियल हायर सेल्फ मे शाइन फोर्थ। तो ये भी भूल जाते हैं कि क्या हम लोग काम कर रहे हैं, वर्क काम कर रहे हैं क्योंकि काम कर रहे हैं, उसका और कुछ उसमें और कुछ यहाँ वहाँ की बात ही नहीं है, वर्क फॉर द वर्क से कर्म किया क्योंकि कर्म करना था। जैसे ज्ञानेश्वर महाराज भी कहते हैं कि कर्म करना ही उसका फल है, तो अब वो फल के ऊपर वापस फल कैसे आएगा, आपको कर्म करना ही आपके कर्म के लिए आप कर्म कर रहे हैं, उसके ऊपर वापस फल आना है, उसको फूल आना है, उसको ये होना है वो होना है, मेरी सराहना होनी है, प्रशंसा होनी है, मेरा नाम उसके नीचे आना है, ये सारी बहुत ही हमारे जैसे छोटे लोगों की कल्पना है। जो महान कार्य करने वाले लोग होते हैं वो उसे कहीं ना कहीं ऊपर चले गए होते हैं, वो सोचते भी नहीं है कि अरे इतना सारा कार्य हो गया, फिर कहते किसने किया, पता नहीं किसने किया, बहुत ही सुंदर कर दिया। तो ये द लेसनिंग ऑफ द फ्रिटरिंग ऑफ एनर्जी ऑन द लोअर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस दैट इज द वेरी की ऑफ इट। अगर आपको ऊपर का वो महातत्व आपके जो वास्तव आप क्या है कि आप बहुत ही महान और अनंत और असीम ईश्वर की एक जो अंश है उसके बच्चे हैं, तो वहाँ जाना है तो आपको जो निचले स्तर पर आपकी सारी शक्तियों का एक प्रकार से आप उसको वेस्ट कर रहे हैं, उसको यहाँ वहाँ बिखर रही हो, कहीं पर भी उसका कहीं फोकस नहीं है, इसको पहले आपको रोकना पड़ेगा।
This is accomplished by the continuous denial of the lower desires, which duty rigorously requires. तो कर्तव्य कहाँ आता है कि आपके शक्तियों का जब इस प्रकार से छोटे छोटे और निम्न और पशु जीवन की सारी जो धारणा और वासना कल्पना है उसमें जब आपकी शक्ति बिखरती रहती है, उसको कम होती रहती है, तब आपकी कर्तव्य की जो एक प्रकार की भावना है वो आपको उससे रोक देती है। ये कर्तव्य भावना का उपयोग है उसका। जब आगे जाते हैं तो वो भावना रही नहीं रहती है, तो बाद में की स्थिति है, लेकिन ये फिल्टरिंग ऑफ एनर्जी ऑन द लोअर प्लेन हैज बीन स्टॉप और शुड बी स्टॉप बाय दिस आइडिया ऑफ द रिगरसली फॉलोड ड्यूटी, कि मेरा ये कर्तव्य है, मुझे आज ये कंप्लीट करना है। कोई भी इंसान भी जब ड्यूटी प्रोन होता है, जब उसको पता है 8 बजे वहां पहुंचना ही मेरा कर्तव्य है, उसके बाद तो फिर सुबह के समय जो यहाँ वहाँ काम हो रहे थे उसको अपने आप अंकुश लग जाता है। जब उसको पता है 6-8 घंटे मुझे यहाँ बैठ कर रहना ही, तो कभी कभी इस प्रकार से एक जो रिगरस फॉलोइंग ऑफ ए पर्टिकुलर शेड्यूल रूल्स और विच आर जनरली कॉल्ड एज ए ड्यूटी, ये भी आपको हेल्प करता है, क्योंकि अनुशासन से ही आप जो आपके लोअर नेचर है उसको आप धीरे धीरे आपको नकारते, जो बहुत फ्री बैठा है, जिसको अभी ना कोई दिन का एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है, ना उसको यही कंप्लीट करके उसको देना है, कहीं ना कहीं उसको ये हो जाएगा कि उसका समय जो है यहाँ वहाँ बहुत सारा वेस्ट हो जाएगा। मानवीय स्वभाव ये है कि जब आप उसको कोई अंकुश नहीं है या आपके उसके ऊपर नजर नहीं है, तो प्रायः हमारी एनर्जी हमेशा लोअर भी काम करती रहेगी, हमारा जो मतलब पशु वीर और देव ये जो अवस्था है उसमें ज्यादा करके पशु साइड में ही जाएगी। ये नेचुरल टेंडेंसी है, इसको आप रोक नहीं सकते। और आज तो डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया में ऐसा हो गया है कि आप एक चीज देखते रहे तो उसमें ही सारी एनर्जी आगे 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 गई, फिर पता चलता है अरे मैं एक 15-20 मिनट से सिर्फ कुछ देख रहा था, लेकिन पता नहीं कहाँ मेरी सब शक्ति चली गई, उसका कोई आउटपुट कुछ नहीं है, उसमें से कुछ मुझे लाभ मिला ना, मैंने कुछ खोया, कुछ नहीं हुआ, ऐसी मेरी सिर्फ शक्ति की एक प्रकार से वेस्टेज कर दिया मैंने और कुछ नहीं किया। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इन द रेल्स ऑफ एक्शन एंड एक्सपीरियंस वेयर बाय लिमिटिंग सेल्फिशनेस वी ओपन द वे टू द अनलिमिटेड एक्सपांशन ऑफ द रियल नेचर ऑफ मैन। जब आप ये कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हर जगह से, जब पूरी सोसाइटी का व्यवस्था इसलिए है कि इस प्रकार से वो डेवलप की गई है कि जब भी कोई काम कर रहा है, हर नागरिक हर घटक उसका जब काम करता है और अनुभव लेता है, तो उसको उसके स्वार्थ को उसमें सीमित करने की, उसको कंट्रोल करने की उसमें कुछ सुविधा होनी चाहिए, उसके लिए उसको कुछ पुश होना चाहिए कि आप वैसे करो, ताकि उसका जो स्थायी भाव है, उसका जो यथार्थ, उसका जो देवी स्वरूप है, उसकी तरफ जाने के लिए ये समाज व्यवस्था आपको मदद करती है। भारत की व्यवस्था ऐसी है कि हर व्यक्ति को जो जो काम दिया है वो काम से ही वो धीरे धीरे अपना स्वार्थ खोने लगता है, उसको भूल जाता है, और अपना जो पशु जगत का जो हमारी एक प्रकार की भूख या वासनाएं हैं उनको नजरअंदाज करके उस भावना से वो ऊपर चढ़ते जाता है, देव की भावना से, देवी की, देव पूजा की भावना से, अपने कर्तव्य के पालन करते करते ही। हर व्यक्ति ऐसा करे, ऐसी व्यवस्था होनी जरूरी है। कर्तव्य कभी भी बहुत अच्छा मीठा सुखकर नहीं होता। ड्यूटी इज सेल्डम स्वीट, बट इट कैन बिकम स्वीट ओनली व्हेन देयर इज लव इन दैट, एंड लव शाइंस इन फ्रीडम अलोन। जब काम करते में प्रेम है, भक्ति है, और अगर उसमें मुक्तता का अनुभव, मैं कर रहा हूँ जैसे मुझे हर बार कोई सुपरविजन कर रहा है, हर बार उसको सुपरवाइजरी कंट्रोल से ना ये अरे ऐसा किया, अभी यहाँ बैठा, यहाँ से वहां गया, तो यंत्रवत कोई काम नहीं कर सकता, उसमें कोई भी आपको फ्रीडम नहीं दिया गया और सिर्फ आपके ऊपर इम्पोज कर दी गई ये रूल है, वैसे करो ऐसे करो, नहीं होगा। और आप भी बिल्कुल भागे और पूरे से थके भागे, जो भी आपको मिल रहा है चलो कर दो, क्या करना है, किसी ना किसी का अदरवाइज डंडा पड़ने वाला है मुझे, तो आउट ऑफ फियर देयर कैनॉट बी अ ग्रेट यू नो कर्म योगा, इट विल कम ओनली थ्रू द लव, बिकॉज द सेंस ऑफ ड्यूटी विल कम थ्रू दैट। तो इसलिए ये जो है वो मतलब ये जो फ्रीडम है, इट इज अ फ्रीडम टू बी अ स्लेव टू दी सेंसेस, टू एंगर, टू जेलसीज एंड 100 अदर पार्ट पेटिव थिंग्स दैट मस्ट अकर एवरी डे इन ह्यूमन लाइफ। In all this little roughness that we meet with in life, the highest expression of freedom is to forbear. तो इसलिए आप इतने मुक्त होना है कि आपको किसी चीज की कुछ आघात ही नहीं होना चाहिए, आप उसको आराम से अपनी तरफ ले लेते हैं, किसी के बारे में ना मत्सर होता है ना गुस्सा होता है, और बहुत सारी क्षुद्र क्षुद्र चीजें होती रहती है। आप इतने ऊपर उठ जाओ, आप इतने महान बन जाओ, आप इतने मालिक की भावना से काम करो
कि आप अपने इंद्रियों के वश में, यू डोंट बिकम टू बी अ स्लेव ऑफ द सेंसेस टू एंगर टू जेलसीज, ना ही इंद्रियों के वश में रहो, ना ही उसके जो सारे द्वंद्व है या उसके जो सारी षड रिपु है उनके वश में रहो. इफ यू आर वर्किंग आउट ऑफ लव, इफ यू आर वर्किंग आउट ऑफ फ्रीडम, देन यू विल फील दैट ये तो बहुत पेटी चीज है, ये सब छोटी छोटी चीज है. जैसे स्वामी जी दूसरे जगह पे कहते हैं कि महासागर पे लहरें आती है, उस पर कुछ क्रोमी कीटक भी आते हैं, और मुझे लगता है कि मेरे लिए रिवेंज ही सबसे बड़ी चीज है और मैं रिवेंज ले लूंगा. दूसरे क्षण वो लहर भी जाती है और वो कीटक भी कहीं पे फेंका दिया जाता है. ऐसे हमारे छोटे छोटे यू नो एंगर और हमारी जेलसीज और ये सब भाव ये ऐसे हैं. हमें लगता तो बहुत कुछ है, हम इसका किसी के लिए बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट होता है कि मैं इसका ये लूंगा, मैं पूरा बदला ले लूंगा, मैं उसको सबक सिखाऊंगा. तो ये छोटी छोटी चीजों में जिसको महत्व नहीं है, इसमें हमारी शक्ति या हमारा समय हम लोग व्यतीत जब करते हैं तो स्वातंत्र्य का अनुभव उसमें नहीं होता है, प्रेम का अनुभव नहीं होता है. मतलब परमात्मा के लिए प्रेम रखो, उसकी स्वतंत्रता अनुभव करो. छोटे लोग यहाँ वहाँ क्या कहते हैं, लेट नॉट द बार्क्स ऑफ पपीज फ्रेटन यू, नॉट इवन द थंडरबोल्ट्स ऑफ हेवन. स्वामी जी दूसरी जगह कहते हैं कि कुत्ते भोंकते रहते हैं, हाथी चलते रहते हैं, और विद्युल्लता चमकती रहती है, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता. आप अपने आप को खुद ही को अगर बुलंदता इस प्रकार से आप अगर बुलंद करेंगे तो क्या मजाल है कि कोई आदमी आपको गुस्सा दिलाए, आपको मत्सर हो, क्या मजाल है कि किसी की वजह से आपके मन में द्वेष भाव या आपके मन में इतना सारा क्या कहते हैं ना उसको, उसके उसको सबक सिखाऊंगा मैं, उसको जिंदगी भर उसको माफ नहीं करूंगा, क्या उसमें क्यों ये सब करना है. उसकी कर्म उसको लेके जाएगा, वो अपनी गति से जाने वाला है, उसको कोई रोक नहीं सकता. आप अपना रास्ता क्यों भूल रहे हैं, आप अपने रास्ते से क्यों उसकी वजह से रुक रहे हैं या भटक रहे हैं, आपका जो रास्ता है. इसलिए मैं भर्तृहरि का एक दूसरे सेशन में आपको बता रहा था, निंदित नीति निपुणा यदि वास्तु, कोई अच्छा कहे बुरा कहे, बहुत स्तुति करे कि भाई आप तो भगवान है, फिर भी उससे आपको विचलित नहीं होना है. कोई भाई आप तो बड़े राक्षस है, आपकी सब भूत मैंने देखा नहीं, फिर भी विचलित नहीं होना है. भाई आपकी आपकी समझ है, किसी को भूत लगता है, किसी को राक्षस लगता है, किसी को मैं भगवान लगता हूँ या महाराज लगता हूँ, या अपनी अपनी सोच है. मैं तो उसका बंदा हूँ, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, मेरा कर्तव्य वो है जो मैं अब निभा रहा हूँ. अच्छा लगे तो ठीक है, अच्छा नहीं लगे तो भी ठीक है, मेरे पथ से मैं हटूंगा नहीं. इस प्रकार से स्वामी जी जब उनके तीन स्टेप्स बोलते, थ्री स्टेप्स टू बिकम पेट्रियट, उसमें भी उनका उल्लेख आता है. पहले तो बोलते डू यू फील दैट मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डिसेंडेंट्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस हैव बिकम नेक्स्ट डोर नेबर टू द ब्रूट्स. क्या पहले आप में वो भाव प्रेम का भाव आता है, इसलिए ड्यूटी में वो बोलते प्रेम और फिर इस प्रकार का कर्तव्य निष्ठा, मैं बाकी किसी से विचलित न होना, अपने पद से अड़िग रहना, ये दोनों बातें अभी आई. तो थ्री स्टेप्स टू पेट्रियट भी बोलते हैं कि पहले तो आपको भाव आना है, वो आपका हृदय विकल होना चाहिए, यू शुड बिकम रेस्टलेस, यू शुड नॉट बी एबल टू स्लीप, दैट क्या हो रहा है, किसके वजह से ये सब हो रहा है, और मैं क्यों नहीं ये मेरे सारे बांधवों के लिए काम कर पाता हूँ. तो इससे आपको विचलित होना, आपके हृदय विगीर्ण होना, ये पहली अवस्था है. और दूसरी अवस्था है कि उसके लिए आपको कुछ योजना बनानी है. आपको कुछ मन में तो बहुत आया, मन में तो बहुत दुख लगा, बहुत पीड़ा हुई, सोना सोने के लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, क्या आपने कुछ उसमें प्लान बनाया, कुछ योजना बनाई, छोटे छोटे कुछ बिंदु आपने उसमें जोड़े. अगर आप वैसा कर रहे हैं तो उसका कुछ उपयोग है. और ये हो गया, उसके बाद तीसरा भाग क्या है, वो कहते हैं स्वामी जी कहते हैं कि तीसरा भाग उसका ये है कि ठीक है आपके मन में आया, आपने निष्ठा से काम किया. दूसरा स्टेप ये था कि आपने उसमें बिल्कुल आपके हृदय से आपने कुछ योजना बनाने की कोशिश की. लेकिन तीसरा भाग बहुत महत्वपूर्ण भाग है कि अगर ये करते करते पहले तो आपको बहुत ज्यादा विरोध होने वाला है, बहुत लोग आपको विरोध, कोई भी अच्छी योजना स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि तीन स्टेप से गुजरती है. पहले लोग उसको बुद्धू ठहराते हैं, अरे ये रिडिक्यूल इज द फर्स्ट स्टेज. लोगों को लगता है ये कैसी योजना है, ये कैसा उसका उपयोग है, उसका कुछ भी फायदा नहीं है, आप क्यों कर रहे हैं इसको. तो पहले उसको रिडिक्यूल या लोगों की चेष्टा से या लोगों के एक प्रकार से वो कहते हैं कि यार ये क्या पागलपन है, कौन कर रहा है, ये अवस्था से जाना पड़ता है. दूसरी अवस्था ये है कि लोगों को ये लगता है कि ये तो बड़ा काम कर रहा है, इसका विरोध करे तो अच्छा है, तो वो भी करते रहते हैं वो लोग. इस प्रकार से विरोध भी होता है, लोग कुचेष्टा भी करते हैं, इस स्टेज से जाते जाते बाद में लोग इतना उसको आपको सराहने लगते हैं. तीसरे स्टेज में उनको लगता है यही सबसे बड़ा काम है, यही सबसे बड़ा काम कोई किसी ने किया है. ये भी स्टेप डेंजरस है, क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कि इसमें भी आप पीछे हट सकते हैं. जब बहुत ज्यादा प्रशंसा भी हो, बहुत ज्यादा लोग कहे कि आप तो बिल्कुल अवतार है, तब भी वो आदमी अपने पद से बिखर सकता है, गलत चीजें कर सकता है.
तो या आपकी कुचेष्टा हो या आपको लोग पागल समझे, वो स्टेज से लेकर दूसरे स्टेज में जब लोग विरोध करते हैं आपका, एक जगह पर तो स्वामी जी जैसा मैंने कह रहा था देशभक्त होने की तीन क्या कहते हैं तीन बिंदु उसके, किस प्रकार से आप पायदान पे जब चढ़ते चढ़ते देशभक्त हो सकते, तो ये उसमें वो कहते हैं कि अगर सारा मतलब दुनिया के सारे लोग हाथ में शस्त्र लेके तलवार लेके अगर आपके सामने आए और आपको बोले कि ये बंद करो नहीं तो मैं आपको मार दूंगा, तब भी क्या आप अपना काम करते रहेंगे? अगर आप करते रहेंगे तो फिर आप अपने कर्तव्य के पथ पर आप सही जा रहे हैं। आप सच में देशभक्त होने की दूसरी चरण है, ये दूसरा पायदान है जिसपे आप धीरे धीरे बढ़ रहे, इस प्रकार स्वामी विवेकानंद कहते हैं। और इसलिए वो तलवार लेके भी आए या फूल लेके भी आए, आपके बीवी बच्चे आपका घर बार भी आपके विरुद्ध जाए, फिर भी जो अपने मार्ग पर एक बार आते हैं, जैसा मैं भर्तृहरि का श्लोक कह रहा था कि निंदंती नीति निपुणा यदि वा स्तुवंतु, आपको निंदा करे या स्तुति करे आपके पद से आपको हटना नहीं, लक्ष्मी आ जाए या फिर कभी भी ना आए, मैं सबसे गरीब हो जाऊं या सबसे अमीर हो जाऊं, मैं आज ही मर जाऊं या मैं 100 साल के बाद मुझे भी चिरंजीव में रह जाऊं, कुछ भी हो, कुछ भी स्थिति में, जो एक बार मैंने कर्तव्य निष्ठा से मेरा मार्ग चुना है, जो एक बार मैंने समझ लिया कि ये काम मुझे करना है, तो उससे मैं एक पल के लिए भी अपनी दृष्टि से उसको दूर होने नहीं दूंगा, उस पथ से मैं जरा भी यहाँ वहां भटकूंगा नहीं। इस प्रकार से वो सारे उसके जो वो मार्ग की जो सारी विशेषता है उसमें जो कठिनाइयां इसके बारे में हमें बताते हैं। इसलिए कर्मयोग के उनके जो भाग है वो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें वो आगे ये भी कहते हैं कि ड्यूटी इज स्वीट ओनली थ्रू लव एंड द लव शाइंस इन फ्रीडम अलोन एंड येट इज इट फ्रीडम टू बी द स्लेव ऑफ टू द सेंसेस टू द एंगर टू द जेलसीज एंड 100 अदर पेटी थिंग्स। इस प्रकार से वो कर्मयोग में बहुत अच्छी तरह समझाते हैं कि कर्तव्य तो हमेशा वो कभी भी इतना मधुर नहीं होता, वो हमेशा एक प्रकार का रूटीन बन जाता है, लेकिन जब उसमें भक्ति होती है, उसमें प्रेम होता है अपने कर्तव्य के लिए, निष्ठा होती है, तब तो उसमें भी आपको मधुरता मिलती है। इस प्रकार से स्वामी उसको आगे अपने व्याख्यान में बता रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई ही सेज दैट द वुमेन स्लेव्स टू देयर ओन इरिटेबल जेलस टेंपर्स आर एप्ट टू ब्लेम देयर हस्बैंड्स एंड असर्ट्स देयर ओन फ्रीडम एज दे थिंक नॉट नोइंग दैट देयरबाय दे ओनली प्रूव दैट दे आर स्लेव्स। So it is with husbands who eternally find faults with the wives। और ये हर जीवन के सामाजिकते मतलब छोटे से छोटे बड़े से बड़े तक हर पहलू को जीवन के वो कहीं ना कहीं वो स्पर्श करते हैं। इसलिए घर से ही स्टार्ट करते हैं। घर में भी ऐसा होता है कि पत्नी उसको लगता है कि मैं इतना सब कर रही हूँ और फिर भी उसको गुस्सा आते रहता है, उसको भी मच्छर आता रहता है, उसका भी मूड स्विंग्स होते रहते हैं और वो उसके लिए सारे के लिए वो अपने पति को ब्लेम करती है। देखो स्वामी खुद सन्यासी थे लेकिन उन्होंने उदाहरण देते समय हमें हमेशा जीवन के हर पहलू से उदाहरण दिए। और पति को भी लगता है कि मैं इतना सब कर रहा हूँ लेकिन हमेशा मेरी पत्नी में उसको कुछ खोट नजर आती है। तो एक छोटे से जो समाज का एक छोटा सा भाग है, एक कुटुंब या जो हमको परिवार कहते हैं, परिवार में भी इस चीज में हमें कठिनाई नजर आती है कि दोनों एक दूसरे के साथ भी कुछ कर्तव्य निष्ठा नहीं हो तो एक दूसरे के साथ उनको हमेशा दोष ही दिखते रहते हैं। उनको ये पता नहीं चलता कि ये किसके वजह से ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये पता नहीं चलता। इसलिए चैस्टिटी इज द फर्स्ट वर्च्यू इन मैन और वुमन एंड द मैन हु हाउएवर ही मे बी स्ट्रेड अवे कैनॉट बी ब्रॉट टू द राइट पाथ बाय द जेंटल एंड लविंग एंड चेस्ट वाइफ इज इंडीड वेरी रेयर। तो इसलिए पवित्रता या एक दूसरे से एकनिष्ठता और पवित्र या उच्च भाव की जो एक प्रकार से जरूरत है उसी से परिवार बनता है, वो पहले किसी पुरुष या स्त्री में होनी चाहिए। पर कितना भी पति भटका भी हुआ हो, सन्मार्ग से उसका कह सकते हैं वो उसको उससे ढल गया हो, लेकिन ऐसे अब कभी भी नहीं हुआ है कि एक पवित्र नारी उसकी पत्नी उसको वापस लाने में सक्षम नहीं हुई हो। तो ये उसका नींव है परिवार की। इसलिए हमारे इसमें परिवार सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इकाई थी, उससे भी आगे फिर कुल होता था, श्रेणी होती थी, आपका राज्य होता था, ये सब होता था, लेकिन परिवार ही वो इकाई है जिसमें ये सारे धर्म का या संस्कार का या संस्कृति की भाग शुरुआत में आते हैं, पहले से शुरू होता है। जैसे आप दोनों रहेंगे पति पत्नी वैसे ही बच्चे बन जाएंगे, बच्चे वही आपको निरीक्षण कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि कैसे वो लोग झगड़ रहे हैं, कैसे एक दूसरे को दोषारोप कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी उसका परिणाम होता है। और इसीलिए ये ही उसका मूल है कि आपके अंदर वो उच्च भाव है, वो पवित्रता है, वो निष्ठा है, वो कर्तव्य का भाव है और धर्म के प्रति आस्था है, पति के अंदर भी आपके पति और पत्नी दोनों के अंदर है तो भी वो बच्चों में आगे आ सकती है। सो अगर ये सारी वो कहते हैं कि
बार बार वो कहते रहे, अपने आप को ये बताते रहे कि वो अच्छी है और वो पवित्र है और उसी प्रकार से जी रही है, तो पति भी वैसे हो जाएगा, सारे पुरुष भी वैसे हो जाएंगे। और इसलिए फिर वहां पे ऐसी कोई भी हम कहते हैं पशुता नहीं है इस जगत में, इस जगत में ऐसा कोई भी दुष्ट भाव नहीं है जिसको एक पवित्र या शुद्ध भाव कभी उसके ऊपर विजय नहीं पा सकता। स्वामी जी यहाँ कह रहे कि एक पावित्र्य का महत्व जो है, वो शुद्धता का महत्व है, वो असाधारण है, और उसकी सिर्फ होने से, उसके प्रभाव से, उसके दूसरे के साथ हमेशा एक प्रकार से एकनिष्ठता से, या उसको दूसरे को सन्मार्ग में लाने की एक प्रामाणिक उसकी जो कोशिश होती है, उसकी वजह से इस दुनिया में हमेशा जो पशुता है, जो निर्ममता है, उसका हमेशा पराजय हुआ है। उस प्रकार की शक्ति इस भाव में होती है, और इसीलिए हमारी माताएं, हमारे जो घर के जो गृहिणी है, वो हमेशा इस घर को इकट्ठा रखती थी अपनी सती भाव से, अपने सुंदरता, उनके विचारों की सुंदरता से, उनकी जो सारी संस्कृति आई वो इसी प्रकार से आ गई। इसलिए यहाँ से हमारा मतलब मातृशक्ति की पूजा, देवी रूप में भगवान की पूजा, यहाँ से देखिए जो कुटुंब में जो सारी संस्कृति का रहना है, संस्कारों का रहना है, यहाँ तक हमारे स्त्री शक्ति का हमें यहाँ पे महत्व नजर आता है। स्वामी जी उसके बारे में बताते हैं, तो इसलिए एक जो आगे उसका और विवरण करते हैं कि कितना भी वो कैसा भी उसमें नीच भाव हो, पशु भाव हो, लेकिन उसी प्रकार से उसको अच्छा बनाने की क्षमता भी उसका जो मातृ रूप है, उसका जो आदि शक्ति का जो उसमें उसके घर में एक रूप है, उसके स्त्री के रूप में वो उस प्रकार से रह सकती है। और इसीलिए द एटीट्यूड ऑफ ए मदर टुवर्ड्स ऑल द मेन विल ग्रो सो ग्रेट इन द पावर फॉर प्योरिटी दैट देयर कैन नॉट बी अ सिंगल मैन हाउएवर ब्रूटल हु विल नॉट ब्रीथ एन एटमॉस्फेयर ऑफ होलीनेस इन हर प्रेजेंस। तो ये एटीट्यूड या ये भाव इतना कुछ स्त्रियों में बड़ा हो जाता है, इतना प्रभावशाली हो जाता है कि दुनिया का कोई भी पुरुष जो है वो कितना भी पशुतुल्य ना हो, लेकिन उसके संस्कार में या उसके सानिध्य में आने के बाद, उसके सत्संग में आने के बाद, ऐसी स्त्री का केवल होना, उसका दिखना, उसका स्मित हास्य करना एक पवित्रता से भर देता है सारे वातावरण को, और कोई भी गलत काम सोच नहीं सकता है, किसी भी चीज के बारे में वो नीच दृष्टि से देख नहीं सकता है। इतनी क्षमता, इतनी बड़ी शक्ति उसमें है, ये स्वामी जी यहाँ कहते हैं। तो इसलिए अपनी पत्नी छोड़ के सारे महिलाओं की तरफ जो पति है उसको इसी प्रकार देखना चाहिए कि या तो मेरी माता है, या मेरी बहन है, या मेरी बेटी है। और जो इंसान चाहता है कि वो धर्म को सिखाए, उसको हर हर महिला को अपने माँ के जैसे देखना चाहिए, उसी के तरह उसका। ये बहुत मुश्किल है कि आज के युग में ऐसा कहना भी एक, लेकिन स्वामी जी खुद वैसे थे। स्वामी जी ने उस प्रकार के उनके जीवन में भी हमें कई प्रसंग मिलते हैं जब उन्हें किसी महिला ने ऐसा कहते हैं कि पाश्चात्य जगत में, जब अमेरिका में भी थे, उनकी वाणी, उनका ओजस्वी सारी कांति, और उनका इतने सुंदर थे वो, इतना पौरुष से शक्तिमान, और जिसको आज की भाषा में हम लोग बहुत ही अच्छे दिखने वाले एक पुरुष, जिसकी बुद्धि में भी बहुत बड़ा तेज है, वाणी में इतनी तेज है, तो महिलाएं दुग्ध हो जाती थी। उनको लगता था कि इसे क्या और क्या देखना है, इसको देखने से ही प्यार आ जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कुछ व्याख्यानों के बाद, तो वो पूरा मतलब छलांग लगा के कुछ महिलाएं दौड़ के आती थी उनको मिलने के लिए, जस्ट उनके साथ खड़े रहने के लिए। और तभी किसी ने ये बताया कि अगर ऐसी इतने लोगों को आकर्षण लग रहा है, उसके बावजूद भी अगर ये महात्मा वहां खड़ा रहता है, उन सबके तरफ स्मित हास्य से देखता रहता है, तो क्या पवित्रता उसमें आई है, क्या साधना उसकी है, वो कहीं पे भी डगमगाता नहीं है, कहीं पे वो उसका हिचकिचाता नहीं है, वो आराम से उसके साथ बात कर रहा है और उनको मातृभाव से देख रहा है। किसी महिला ने उनको बोला भी कि अगर आप जैसी बुद्धि और मतलब ऐसे कथा बताते कि आप जैसा मेरा बेटा होना चाहिए, आप उसका कहने का तात्पर्य था कि आप मेरे संग कर लो या मेरे साथ विवाह कर लो, और जो बेटा हो जाएगा आपके जैसा ही बहुत सुंदर हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा, मेरी ये इच्छा है, आपसे प्रार्थना है, और बहुत अच्छे भाव से उसने ये बताया। लेकिन स्वामी जी ने उसके भी ऊपर उसको एक अच्छे भाव से एक उत्तर दिया कि तो फिर माँ उसमें देरी क्या है, मैं खुद ही आपका बेटा हूँ। तो ये उनके
वो जो स्वामी जी कर्मयोग में बता रहे, शिकागो लेक्चर्स में बता रहे, या जो वो राजयोग में या बाकी सारे कुलम्बुट अल्मारा बता रहे, ये सारे विचार वो खुद के उनके चरित्र भी व्यक्त है। और यही सारे ये महान पुरुषों का एक महत्वपूर्ण भाग है कि उन्होंने वही जिया और उसको बताया। हमारे में क्या होता है कि हम लोग बताते बहुत कुछ है लेकिन जीते तो कुछ दूसरा ही है। ये दोनों में जो अंतर है उसकी वजह से हमारे बोलने में वो सामर्थ्य नहीं आता, वो परिणाम नहीं आता जो स्वामी जी के या ये सारे संतों के वाणी में आता है। तो इसलिए हर एक को वैसे देखना चाहिए, ये उन्होंने सिर्फ बताया नहीं है, वो वैसे ही उनके जीवन में भी कई बार ये उल्लेख आए, कई बार ऐसे प्रसंग आए, बहुत कसौटी के प्रसंग आए कि प्रभु जी मेरे अवगुण चित्र धरो, जो जब वो परिवारजक स्थिति में थे और एक राजा के साथ एक उनका रहना हुआ एक हद दो दिन, तो राजा ने अपनी उसकी अपनी एक तरह होती है मनोरंजन की, तो एक स्त्री को वहाँ बुलाया और उसको बोला कि आज आपका संगीत का हम लोग जलसा करेंगे, आप गाना गाओ और ये करो वो करो, और ऐसे प्रकार की तो चीज़ें होती रहती थी। लेकिन स्वामी जी ने कहा कि मैं आपका होने दो, ये सब आपका मनोरंजन है, कि मेरे लिए ठीक नहीं है किसी के स्त्री का गाना और उसके रूप को देखते रहना, ये मेरे लिए संन्यास धर्म में ये ठीक नहीं है, सगृहस्थ आश्रम है आपका, आपको अगर ठीक लग रहा है तो आप कर लो। तो वो दूसरे दालन में मैं जाके बैठ जाता हूँ। तो जब वहाँ जाके बैठे वो महिला को बहुत उसको पीड़ा हुई, वो आई भी थी, उनको देखने को आई थी, ये तो राजा का तो रोज का ही होता था, लेकिन वो बोली कि आज मैं इतनी आई, इतने महान पुरुष को मुझे देखना था, मुझे इस महात्मा को, और उसी के दर्शन ठीक से नहीं हो, वहाँ जाके बैठ गए, ये मैंने क्या इतना पाप किया है, मैंने इतना क्या, मेरे जीवन इतना ऐसा तो दुर्भाग्यशाली क्यों है कि जब किसी को इसे ऐसे महापुरुष को देखने की जब अवसर भी आता है तो वो भी मुझसे छीना जाता है। फिर उसने बहुत ही आर्त स्वरों में गाना गाया कि प्रभु जी मेरे अवगुण चित्तन धरो, मैं मैली हूँ लेकिन आपको आपका सौभाग्य होगा, आपका दर्शन होगा, आपकी कृपा होगी तो मैं भी वापस एक बार, जैसी गंगा मिलती है सागर में तो गंगा कौन सी और नदी नाले का कूड़ा पानी कैसा, हर कुछ एक ही जैसा हो जाता है, तो मुझे भी आपके शरण में ले लो, इस प्रकार बहुत सुंदर गाना। फिर स्वामी जी के आंखों से आंसू आ गए, मतलब इतना धीरोदात्त तो एक महान योद्धा सन्यासी, लेकिन इतना ही उसका मन इतना कोमल था कि वो आए वहां से बाहर और फिर उसने उस महिला को कहा कि माँ मुझे क्षमा करो, मुझे आपके ये भाव मुझे समझने में थोड़ा समय लगा, आप गाइए और मैं यहाँ बैठ के सुनता हूँ। तो ये जो एक यू नो दिस इज अ ग्रैंड वे ऑफ चेंजिंग इवन द रूल्स एज दे आर रिक्वायर्ड, बिकॉज सन्यासी शुड नॉट लिसन, यस ही नोज इट वेरी वेल, बट व्हेन इट इज इम्पॉर्टेंट टू यू नो एड्रेस दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, यू शुड नो दैट द धर्म डज नॉट यू नो द ग्रेट पर्सन डू नॉट फॉलो द धर्म, धर्म फॉलोज द ग्रेट पर्सन। ऐसे श्री राम जी के भी चरित्र में आता है कि मैं धर्म को नहीं निभाता हूँ, धर्म मुझे, मैं जो करता हूँ वो बाद में धर्म बन जाता है। तो इसी प्रकार से उनकी रचना होती है। द पोजिशन ऑफ द मदर इज द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड, दिस वन प्लेस इन विच टू लर्न एंड एक्सरसाइज द ग्रेटेस्ट अनसेल्फिशनेस, द लव ऑफ गॉड इज ओनली लव दैट इज हायर देन मदर्स लव, ऑल अदर्स आर द लोअर लव्स, एंड इट्स द ड्यूटी ऑफ द मदर टू थिंक ऑफ हर चिल्ड्रन फर्स्ट एंड देन ऑफ हरसेल्फ। तो ये माँ के आदर्श का हमारे यहाँ एक सर्वोच्च बिंदु है कि भगवान का ही एक प्रेम होता है जो इससे ज्यादा निस्वार्थ होता है, अदरवाइज माँ का ही सबसे ज्यादा निस्वार्थी प्रेम है, अपने पुत्रों या पुत्रियों के बिना उसको कुछ सोचता नहीं है, वही उसके लिए सर्वस्व है। बट इंस्टेड ऑफ दैट इफ द पेरेंट्स आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स ओनली, द रिजल्ट इज दैट रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन बिकम सेम एज दैट बिटवीन बर्ड्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग्स, एज सून एज दे आर फ्लेश दे डू नॉट रिकॉग्नाइज एनी पेरेंट्स। तो बच्चे भी वैसे हो जाते हैं, उनको पता है कि हमारे प्रति भी उन्होंने स्वार्थ से ही काम लिया, तो अभी हम भी बड़े हो गए तो हम उनकी तरफ नहीं देखेंगे। इस प्रकार से एक प्रकार से दोनों में एक व्यापारी संबंध आ जाता है, जो स्नेह का संबंध नहीं होता है। तो ब्लेसेड इंडीड इज द मैन हु इज एबल टू लुक अपॉन वुमन एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मदरहुड ऑफ द गॉड, ब्लेसेड इंडीड इज द वुमन टू हुम मैन रिप्रेजेंट्स द फादरहुड ऑफ गॉड, ब्लेसेड आर द चिल्ड्रन हु लुक अपॉन देयर पेरेंट्स एज डिविनिटी। तो ये आदर्श परिवार की ये तीन व्याख्याएं वो करते हैं, और ये आज के जमाने में थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ये सच है या बस ऐसे ही बनाया गया है, लेकिन ये सच था, ऐसे लोग जी रहे थे, स्वामी जी का खुद जीवन ऐसा था, और जिनके पास उन्होंने ये सारा ज्ञान प्राप्त किया, श्री रामकृष्ण और शारदा माता भी वैसे थे, उनका जीवन भी उतना ही आदर्शवत था, इसलिए स्वामी जी भी इतने बड़े हो गए। तो ये तीनों एक ही कह सकते कि एक ही ईश्वर की लीला के ये तीन रूप है कि वहाँ श्री रामकृष्ण है,
पवित्रम चरितम यस्या पवित्रम जीवनम तथा ऐसा वर्णन कर जिनका कर्त्य वो शारदा माता है और उन दोनों के मानस पुत्र उन दोनों का काम आगे लिखे जाने वाले स्वामी विवेकानंद भी है। तो सो आगे कहते हैं कि द ओनली वे टू राइज इज बाय डूइंग द ड्यूटी नेक्स्ट वर्स एंड दिस गैदरिंग स्ट्रेंथ टू गो ऑन अंटिल वी रीच द हाईएस्ट स्टेट। तो अभी जहां है वहां से अपना कर्तव्य करते जाओ और फिर धीरे धीरे इस ऐसी शक्ति पाओ कि आपको आगे आगे की चीजें अपने आप दिखाई देगी। तो इसके लिए कहते कि एक सन्यासी थे, एक कथा कहते हैं, और वो चलते चलते एक पहले भी एक सन्यासी की कथा आई थी जो ईच इज ग्रेट इन ओन प्लेस करके, लेकिन ये थोड़ी अलग है और ये भी बहुत सुंदर है। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे और कुछ सूखे पत्ते वहां गिर गए, तो उसने देखा तो एक कौवा और एक पंछी, दूसरा पंछी क्रेन, ये दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं। इसको बहुत गुस्सा आ गया, वो बोले कि क्या है ये, तुम नीचे गिर गए सब, ये पत्ते मेरे सर पर गिर गए, तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो, ऊपर शोभा नहीं देता है ये आपको। तो इसलिए फिर उसने ऊपर बहुत ही गुस्से से देखा, क्रोध से देखा ऊपर, और उसकी पावर, उसका योग सामर्थ्य ऐसा था कि जब से जैसे ही ऊपर देखा वो दोनों बेचारे पंछी थे वो तुरंत जल गए और उनकी राख हो गई, वो जस्ट बर्न्ड टू द एशेस। उसको बहुत अच्छा लगा, देखो मेरा योग का, मेरे तप का क्या सामर्थ्य है, क्या मुझे भी शक्ति आई है कि फुले नहीं समाया वो। ही वॉज ओवरजॉयड एट दिस डेवलपमेंट ऑफ पावर बिकॉज ही वॉज नॉट अवेयर, ही वॉज जस्ट डूइंग साधना। दिस वॉज द फर्स्ट रियलाइजेशन दैट ही हैज गॉट सम ग्रेट पावर टू चेंज द थिंग्स इन द फिजिकल यूनिवर्स। यू नो ही हैड द स्पिरिचुअल पावर डेवलपिंग, बट इट कैन हैव अ इफेक्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सिद्धि आ जाती है ऐसी कि आप करते हैं वैसा हो जाता है, आप देखते हैं तो गुस्से से ही कुछ हो जाता है। तो उसको लगा कि हाँ अभी मेरी प्रगति हो रही है क्योंकि सिर्फ मेरे देखने से ही हो गया। फिर थोड़े देर के बाद वो आगे गया और एक घर के पास खड़ा हो गया, he just stood in front of a door and for begging his bread because that is what sannyasi is supposed to do and just ask for the bhiksha. So he went there and said, mother give me food, but the voice came from inside and said that wait a little my son, वो जो गृहिणी थी, वो जो होम मेकर या जिसको हम कहते गृहलक्ष्मी थी, उसने कहा कि थोड़ा धीरे धरो, थोड़ा रुक जाओ बिकॉज आई एम जस्ट टेकिंग केयर ऑफ माई हस्बैंड हु इज नॉट वेल and I will come when you know sort of when I'm done with I will come there. लेकिन ये जो यंग सन्यासी था अपना ही अपना, यहाँ स्वामी जी का चित्र नहीं लगाना है लेकिन हम पूरी पूरी श्रृंखला ये स्वामी जी की, इसलिए बीच में चित्र आ रही है। सन्यासी स्वामी जी जैसा नहीं था, ये बिल्कुल ही बचकाना और अधपक्का जैसा बोलते ना, आधा पक्का हुआ आधा कच्चा, इस प्रकार से वो था। तो वो गया, लेकिन सन्यासी परंपरा हमारी ऐसी कि आपको भिक्षा लेके ही खाना खाना है, इसलिए स्वामी जी ने भी वो धर्म निभाया, बहुत भली भांति निभाए, इसके लिए ऐसा नहीं थे, वो तो परिपूर्ण थे। लेकिन ये थोड़ा सा आधा मुदा, आधा बन गया नहीं, ऐसा पात्र था। तो उसके मन में आया कि क्या महिला है, खुद को क्या समझती है, उसको पता नहीं है मेरे मुझ में क्या सामर्थ्य है, अभी तक मुझे मेरी क्या पावर है मुझे आपको पता नहीं है, ऐसा उसके मन में विचार आया। उसके मन का विचार भी उसको अंदर बैठ के उस गृहिणी को पता चल गया और उसने तुरंत अंदर से आवाज दी कि बेटा ऐसा सोचो भी मत कि तुम्हारी शक्ति का तुम ये इस्तेमाल यहाँ करोगे कि क्योंकि ना तो मैं वो उतनी वो कौवे जैसी या वो सारे वो जो यू नो चिड़िया जैसी और कोई मैं पक्षी हूँ और ना ही मैं तुम्हें ये करने दूंगी। तो तब उसको एकदम अचरज आ गया, उसको बिल्कुल ही आश्चर्य हो गया कि ये तो मेरे मन में छोटी सी कल्पना या विचार आया था, उसको कैसे समझाई। और उसको ये भी समझा कि मैं आप क्या करके आया हूँ, इसके थोड़ी देर पहले मैं जंगल में था, वहां मेरे एक दृष्टिक्षेप से वो दो पंछी थे वो मर गए, तो उसको ये इसको कैसे समझा, ये उसको बहुत अचरज लग गया और वहीं पे वो मौन स्तब्ध हो गया। वो उसको आने दो फिर ये सवाल शायद पूछेंगे। तो आने के बाद उसने उसका चरण स्पर्श किया और बोले कि माँ ये सब आपको कैसे समझा, आप मुझे बताइए। तो वो जो गृहिणी थी वो बोली कि मेरे बेटे आप सुन लो कि आपका योगा और आपका सारा वो शास्त्र उसका सब मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं एक सामान्य गृहिणी हूँ और मेरा जो कर्तव्य है, आई मेड यू वेट बिकॉज माई हस्बैंड इज इल एंड आई वॉज नर्सिंग हिम ऑल माई लाइफ, आई हैव स्ट्रगल टू डू माई ड्यूटी एंड व्हेन आई वॉज अनमैरिड आई डिड माई ड्यूटी टू माई पेरेंट्स, नाउ दैट आई एम मैरिड आई एम डूइंग माई ड्यूटी टू माई हस्बैंड एंड दैट इज ऑल योगा विच आई प्रैक्टिस, बट बाई डूइंग माई ड्यूटी I could get this all illumination. I could get this power. I could read your thoughts. तो वो वही कहती है कि मेरे सब मैंने कर्तव्य किए, मैं जब छोटी थी तो पिता के घर में उसके जो कर्तव्य थे वो मैंने किए बेटी समझकर, यहाँ अभी तो पति के लिए जो कर्तव्य बच्चों के लिए वो कर रही हूँ, मैंने आपके जैसा योग ये और साधना भी इतना जंगल घूमना
ये नहीं किया है, लेकिन तभी भी मुझ में भी वही सारी शक्तियां आई है जो आप में है, और उसमें उस आपकी तो खाली शक्ति आई है लेकिन मेरे पास तो संयम भी है कि उसको यूज करना है कि नहीं करना है। तो इसलिए ये श्रेष्ठ योग मैं सीख गई हूँ, इसलिए आप कोई भी इस प्रकार की गलत भाव या गलत विचार करके मुझे पीड़ा देने की कोशिश भी मत करना, सोचना भी मत। तो बिल्कुल वो शरण हो गया और बोला कि आज मैं समझ में आ गया मुझे कि सिर्फ त्याग कर संन्यास धर्म कर नहीं होता है, जो गृहस्थ है उसका जो गृहस्थ धर्म और उसका जो कर्तव्य है उसका जो कर्म योग है उसी से भी एक गृहिणी भी उसी ऊंचाई या ज्यादा ऊंचाई पर जाकर जा सकी जहां इतने प्रयास से मैं गया। और फिर then he asked that where you have learned all these things, so she says you go to the market if you want to know more, there is a vyadha, that means a low, very low considered as to be very low in the type of work people who will work as a hunters and butchers, so he belongs to that category, he is a hunter and butcher, शिकारी है और बाद में वो खटिक मतलब वो बाजार में मांस बेचने वाला, मांस काट के बेचने वाला, ये दोनों काम वो करता है, मतलब जंगल से मार के लाओ और यहाँ पे काट के लोगों को बेचो, वो आपको बताएगा। ये लगा कि ये क्या हो रहा है, मतलब भगवान आप मुझे आज क्या दिखा रहे हैं, तो गृहिणी से पहले सिखाया और अभी तो ऐसे आदमी के पास जाना पड़ेगा उसका काम ही इतना खराब है, तो व्हाई आर सेंडिंग मी देयर, यू नो लेट मी जस्ट अंडरस्टैंड, बट देन ही गोज देयर एंड देन ही सेज व्हेन ही गोज देयर द मैन डजंट इवन लुक अप, ही सेज लेट मी फिनिश माय वर्क, हैव यू बीन सेंट बाय दैट पर्टिकुलर लेडी, ओके जस्ट सिट फॉर सम टाइम, लेट मी फिनिश माय बिजनेस। सो सन्यासी थिंक्स दैट कहां से कहां आ गया मैं भैया, ये क्या मतलब, इज इट दिस प्लेस वेयर आई एम गोइंग टू लर्न नाउ आफ्टर सोइंग सो मच तपस इन द फॉरेस्ट, सो मच ऑस्टिलिटीज आई हैड, नाउ इन द मिडल ऑफ दिस पर्टिकुलर यू नो द प्लेस वेयर द एनिमल्स आर बीइंग कट एंड वेरी हॉरिफिक प्लेस, आई कैनॉट इवन स्टे हियर फॉर मोर टाइम बिकॉज ऑफ द स्मेल एंड द एंटायर व्यू ऑफ दैट ब्लड एंड द फ्लेश एंड एवरीथिंग। सो वो उसने आराम से उसके काम कंप्लीट किया, उसने ध्यान नहीं दिया और पैसे ले दिया, और उसके बाद वो सन्यासी को बोला आइए आप बैठिए मेरे घर में, आइए हम आगे बात करेंगे। तो जब उसके घर में गए व्याज ने उसको बैठने के लिए दिया और कहा कि आप यहाँ रुक जाइए मैं अंदर जाता हूँ, और फिर उसने पहले आपके माता पिता जो वृद्ध थे उनका उनका स्नान या उनको कुछ बाकी सब करना था वो कर दिया, और फिर वो सन्यासी के पास आया, बोला कि हाँ अभी बोलिए, अभी मैंने अपना घर का काम मेरा कर्तव्य पिता माता का कर्तव्य किया है, बाजार में जाके मेरा जो गृहस्थ धर्म था वो भी मैंने कुछ व्यवसाय किया है मेरा अर्थार्जन किया है, अभी आप बताइए क्या है। तो सन्यासी उसको कुछ asked some questions about soul and God, and Vyadha gives him all the lectures on that, which is a part of the Mahabharata, which is called as the Vyadha Gita. So Swamiji is quoting that one of the highest flights of Vedanta are told by this Vyadha. So you can imagine the sannyasi got astonished. And he said, why are you in this body, sir? You seem to be a great realized soul. With so much of knowledge, you should not remain in the Vyadha body. Why are you doing this filthy work, this ugly work? तो व्याज जो उनको जवाब देते उनको पूछ रहे थे सन्यासी की इतना सब आपको सर्वोच्च ज्ञान है आप इस अवस्था में इस शरीर में क्या कर रहे हैं महाराज, आप तो लग रहे बहुत बड़े सिद्ध है पुरुष है, आपको ऐसे छोटे छोटे काम ऐसे क्षुद्र काम ऐसे जिसमें बहुत घृणा आएगी ऐसे काम नहीं करने हैं। तो फिर उसको जवाब में व्याज कहते हैं जिसमें व्याज गीता जो महाभारत का भाग है तो वो उसको कहते हैं कि कोई भी ड्यूटी अगली देयर इज नो ड्यूटी विच इज अगली देयर इज नो ड्यूटी विच इम्प्योर माई वर्क प्लेस मी इन दिस सर्कमस्टेंसेस एंड एनवायरमेंट In my boyhood, I learned this trade. I am totally unattached. I am doing it as my duty. So, when you try to do your duty as a householder, I try to do everything which is required for that. I can make my mother and father happy. I don't know your yoga. Again, he tells the same thing. I don't know your shastra. Iska matlab ye hai, shastra ke patan se kabhi kabhi logon ka ahankar aata hai. Unko lagta hai ki ye karmathata aati hai. Lekin usse bhi mahatvapurna hai ki aap kis prakar se usko jeevan mein leke aa rahe. Chote chote aapke jo sthan hai, aapke kaam hai. उससे अलिप्त होकर अनअटैच होकर आप किस प्रकार से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और उससे से एक सीख आपको मिलती है, आपको ज्ञान प्रकट हो जाता है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट स्थिति, दैट इज अ पोजीशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट सिंपली ट्राइंग टू बिकम वेरी प्यूरिटनिस्टिक दैट इट शुड बी लाइक दिस ओनली एंड दैट ओनली, इफ यू यूज दिस फिंगर इट इज रॉन्ग, दैट फिंगर इज रॉन्ग, सो पीपल गो इन टू मच ऑफ माइन्यूट एंड नीटिग्रिटीज ऑफ द थिंग बट समटाइम्स मिस द रियल कंटेंट ऑफ इट, उसका जो कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट है वो मिस कर देते हैं और उसके जो पर्टिकुलरिटीज और पिक्युलरिटीज है उसमें ही फंस जाते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आई केम हियर थ्रू द अनअटैच डूइंग ऑफ माई ड्यूटी एंड देयरफॉर आई गॉट ऑल दिस नॉलेज। इस प्रकार से एक बहुत बड़ी सीख वो सन्यासी को मिलती है, वो बोले कि ये मैं हमेशा याद रखूंगा और आप मेरे गुरु है, आपने मुझे सिखाया है। तो
ये एक ग्रेट एक प्रकार से वो एक कथा उसमें आ जाती है, जो बोलते हैं कि एक बार आप ये समझ लीजिए कि लेट द एंड एंड द मींस बी जॉइन इनटू वन, आपका जो अंतिम जो आपका ध्येय है और आपको उसको जाने के लिए जो साधन है वो दोनों भी एक दूसरे से मिले हुए होना चाहिए, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आपको साधन आपके कर्तव्य से आ रहा है लेकिन आपका भाव उसके पीछे जो है, जो आप अगर आपके भाव ठीक है तो वो कर्म भी आपका विशेष कर्म हो जाता है, विनोबा जी उसको विकर्म कहते हैं। तो इस प्रकार से आपकी आपकी उसी गति से उसी काम के वजह से आप कई चीजों को हासिल कर पाएंगे। तो ये व्याध और वो जो गृहिणी की कथा है उसमें ये बताया गया है कि ड्यूटी विद द चीयरफुलनेस एंड होल हार्टेडनेस द रिजल्ट इज गोइंग टू बी ऑलवेज इल्यूमिनेटेड एंड क्लियरली शोज दैट द राइट परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज ऑफ एनी सिचुएशन विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स विल गिव यू हाईएस्ट रियलाइजेशन ऑफ द परफेक्शन ऑफ द सोल। तो क्या क्या बताया, आनंद से करो, पूरे भाव से करो, पूरे हृदय से करो, तो उसका जो परिणाम आएगा उस कर्म का व्याध और गृहिणी के कथा से पता चलता है वो हमेशा एक तेजस्वी परिणाम देगा, प्रकाशदायी रहेगा। और इसमें यह भी पता चलता है कि अगर आप अपने कर्तव्य अच्छी तरह से करेंगे किसी भी स्थिति में आपको जीवन जो मिला है उसमें, और उसमें अगर आप अलिप्तता से करेंगे, उससे निर्लेप रहेंगे, आप फल की अपेक्षा नहीं करेंगे, तो उसी से आपको आत्मज्ञान मिल सकता है। आप बिल्कुल उसमें आत्मज्ञान की चरम सीमा तक जा सकते हैं, किसी दूसरे को गुरु भी बन सकते हैं, दूसरे के सन्यासी के भी आप गुरु बन सकते हैं, इतना आपको ज्ञान मिलता है। तो ये जो और सिद्धि के विषय में नहीं फंसना, ये भी उसमें आता है कि आप छोटी छोटी सिद्धियां तो मिलती रहती है लेकिन ये आपका मकसद नहीं है, आपका जो अंतिम ध्येय है वो किसी चमत्कार करना या किसी सिद्धि का प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान का प्राप्त करना, उससे निर्लेप रहना, उससे सारी सृष्टि के प्रति एक दया भाव, किसी को पीड़ा, मेरी सिद्धि की वजह से किसी को अगर मृत्यु आ रहा है तो ये सिद्धि क्या काम की है, तो इस प्रकार की एक नम्रता और सृष्टि के प्रति प्रेम भाव भी उसमें अधोरेखित हो जाता है। तो इसलिए हमारे जो कर्तव्य है वो टू अ लार्ज एक्सटेंट यू नो देन वी आर विलिंग टू ग्रांट, आवर ड्यूटीज आर डिटरमाइंड बाय आवर डिजायर्स, सो एंड दिस कॉम्पिटिशन इज देयर, सो इट रोजेस एनवी, इट किल्स द काइंडलीनेस ऑफ द हार्ट टू द ग्रम्बलर ऑफ ऑल ड्यूटीज, यू नो हु इज ग्रम्बलिंग, ऑल द ड्यूटीज आर डिस्टेस्टफुल, नथिंग विल एवर सेटिस्फाई हिम एंड हिज होल लाइफ इज डूम्ड टू प्रूव अ फेलियर। सो जब हमारी वासनाओं की वजह से, हमारी अतृप्त इच्छाओं की वजह से हमारे कर्तव्य निर्धारित होते हैं, तो समय ये हो जाता है कि हम एक प्रकार से मत्सर से ग्रस जाते हैं, संघर्षमय रहते हैं, दूसरे के साथ हमेशा तुलना करते रहते हैं, हमारे मन का, हमारे हृदय की जो एक प्रकार की दया भाव या आर्द्रता है वही नष्ट हो जाती है। और ऐसे लोग हमेशा कोई भी काम दे दो उसके बारे में उसको गलत ही सोचते हैं, उनको उसमें मजा ही नहीं आता है, उसको लगता है कि इसमें कुछ है ही नहीं, एक छोटा फालतू काम मुझे मिल गया है, कभी भी उनको आनंद मिलता है, ये ऐसे लोग हमेशा असमाधानी ही रहते हैं और सारा उनका जीवन इस प्रकार से एक प्रकार से पराजयों की श्रृंखला बन जाता है। उससे अच्छा है कि जो भी आपको मिला है आपका कर्तव्य, उसी से आप धीरे धीरे और अच्छे अच्छे कर्तव्य ढूंढते जाओ। आपका जो कंधा है, स्वामी जी से बींग एवर रेडी टू पुट अवर शोल्डर्स टू द विल देन श्योरली शैल वी सी द लाइट। अगर आप इस भाव से आगे जाएंगे, इस भाव से आप देखेंगे तो हर काम जो है वो आपको, इस जगन्नाथ के रथ को आप अपना कंधा लगा दीजिए और उसी रथ को आप आगे लेके जाइए, तो आप भी इस मोक्ष मार्ग या जीवन से मुक्त होने के मार्ग पर, आत्मज्ञान के परिपूर्ण ज्ञान तक आप अच्छी तरह से जा सकते हैं। तो हम जब दुनिया को मदद करते हैं तो हम दुनिया की नहीं, हम अपनी मदद करते हैं, ये बात आगे जाके स्वामी जी समझाते हैं।